हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि आपको अपने पर्सन के बारे में अगर सोच रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप ये मेरी रीडिंग देख रहे हो, मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग। अगर आप देख रहे हो, आप ये समझना चाहते हो कि आपको अपने पर्सन के साथ रहना भी चाहिए या फिर मूव ऑन होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता कि उस इंसान का वेट करना हमारे लिए सही है या नहीं। तो जो भी जिस भी तरह की गाइडेंस निकल के आएगी, मैं आपको कार्ड्स में ही देख के बताऊंगी। ये है पाइल वन वालों के लिए। होप गाइस, आप देख लीजिए, अगर ये रिंग आपको पसंद आ रही है, पाइल वन आप चूज़ कर लीजिए, ये है आपके लिए। पाइल टू वालों के लिए मैं रिंग दिखा देती हूँ। ये रिंग है पाइल टू। अगर आपको ये रिंग पसंद आ रही है तो आप इसको चूज़ कर लीजिए। और पाइल थ्री वालों के लिए है ये रिंग। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप ये चूज़ कर लीजिए। और मैं आपके लिए फिर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल वन से। सबसे पहले मैं पाइल वन की रीडिंग करूँगी। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकलती है आज की इस रीडिंग में। क्या आपको मूव ऑन होना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है, उनकी मदर इश्यूज हैं या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं। और आपके जो पर्सन हैं वो इगोइस्टिक भी दिख रहे हैं मुझे थोड़ा सा, कि उनका नेचर ऐसा है कि वो सिर्फ अपनी सुनते, अपने आगे किसी की नहीं सुनते हैं और हमेशा वही करते हैं जो उनको करना है, भले ही फिर वो किसी को अच्छा लगे या ना लगे। आप कह सकते हैं कि मनमौजी टाइप के पर्सन हैं ये आपके पर्सन, जिसके बारे में भी सोच के आप मेरी ये फोटो देख रहे हो। उनकी लाइफ में ये भी कह सकती हूँ टू लेडीज़ हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि कार्ड भी शो हो रहे हैं हमको यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक मैरिड है और एक की तरफ उनको प्यार है, उनकी डिज़ायर है, आप उनकी डिज़ायर हो, ठीक है। एक कह सकते हैं कि वो उनके बच्चों की माँ है, या फिर आप अगर मेल है तो ये भी पॉसिबल है कि आपके जो फीमेल पर्सन है वो मैरिड है, उनके बच्चे हैं, आप मैरिड हो, एक आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी लेडी हो सकती है। ये आप कनेक्ट करके देखिए कि यहाँ पे, क्योंकि थर्ड पार्टी का मैटर नज़र आ रहा है, आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं और आप भी मैरिड हो सकते हैं, किसी की भी लाइफ में हो सकते हैं कि किड्स का मैटर है और बच्चों का मैटर है। मुझे ऐसे लग रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप पे किसी की बुरी नज़र पड़ी है, कहते नहीं नज़र लगना, किसी की नज़र लग गई हो जैसे, पता नहीं ऐसे मुझे देख के इन कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि किसी की नज़र लगी है। अगेन किसी ऐसी लेडी की नज़र लगी है आपके रिलेशनशिप को, या फिर आपने बताया होगा किसी को तो उनकी लाइफ में उस चीज़ की कमी होगी, आप दोनों को देख के उनको आपसे जलन हुई नज़र लगी। काफ़ी पर्सनैलिटी इन्वॉल्व है आपके इस रिलेशनशिप में, मदर इश्यूज भी दिख रहे हैं मुझे। किसी लेडी का तो इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, मैं तो ये बोलूँगी कि ज़्यादा लेडीज़ का इन्फ्लुएंस है आप दोनों की लाइफ में। ये भी है कि एक तरफ आप हो, एक तरफ आपके पार्टनर की वाइफ है और एक तरफ आपके पार्टनर की माँ है। इन तीनों लेडीज़ के बीच में फंसे हुए हैं आपके पर्सन, कि वो अब जाए तो जाए कहाँ, किसको चूज़ करे। देख रहे हो ये कार्ड्स किस तरह से एक के बाद एक निकल के आए हैं।
सिचुएशन थोड़ी सी टफ है आपके पर्सन के लिए। आप वेट कर रहे हो उनका कि वो आपको मैसेज करें, वो आपको कॉल करें, वो आपसे बात करें, वो आपको प्यार दें, ऐसी आपकी डिजायर है। मैं कोई भी चीज का आंसर देने से पहले हमेशा सिचुएशन देखती हूँ। आपके मन में तो बहुत प्यार है उनके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, ऐसा आपको भी उनकी केयर है। आपकी भी अपनी फैमिली है, ऐसा भी पॉसिबल है। आप वेट कर रहे हो कि आपका पर्सन आए और आपका पर्सन आपकी तरफ आ नहीं रहा, वो ओपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं इस वक्त। अब मैं आपको इस चीज का भी आंसर दे देती हूँ जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है। सिचुएशन बहुत टफ बनी हुई है आप लोगों के लिए। रोमांस देखिए, ये मुझे यही दिखा रहा है कि आपको उस पर्सन का इंतजार करना चाहिए। सिचुएशन बहुत टफ बनी है इस वक्त, आप कंट्रोल कर भी नहीं सकते हैं। आपके पर्सन के लिए भी उतनी ही टफ है ये सिचुएशन आप लोगों के लिए, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है उनके लिए। आप थोड़ा वेट कीजिए सही वक्त के आने का, ठीक है? जब सही वक्त आएगा तो जरूर है आप दोनों के रिलेशन में रोमांस फिर से वापस आ जाएगा, तो आपको वेट करना चाहिए अपने पर्सन के लिए। ये है पाइल वन, जिन्होंने भी मेरी इस पाइल को चूज किया है, लाइक जरूर कीजिए गाइस। अभी रेजोनेट हुई है रीडिंग आपको, तो रेजोनेट होती है तो प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए मेरी इस वीडियो को, और अप्रिशिएट किया कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाती रहूं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मैं रीडिंग करूंगी पाइल टू। चलिए देखते हैं, आपको अपने पर्सन का इंतजार करना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए इस रिलेशनशिप में। ट्रस्ट, पहला कार्ड आप लोगों के लिए ट्रस्ट निकला। एक्चुअली अभी मैं कुछ देर के लिए ब्लैंक हो गई थी आप पाइल टू वालों की रीडिंग करते वक्त, मुझे पता नहीं चला ये कार्ड मैंने कब निकाल दिया। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो ये डेक करना था। मैं पूरी तरह से इस वक्त ब्लैंक थी। मैं इस कार्ड का जवाब दे देती हूँ, ये ट्रस्ट क्यों आया है, ठीक है? पहले मैं आपकी प्रेडिक्शन कर दूँ। सेपरेट हो चुके हैं, बात नहीं हो रही है, झगड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अलग हो चुके हो, उनकी लाइफ में कोई और भी था आपके अलावा, जिस वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ। उन्होंने आपको चीट किया, उन्होंने आपको धोखा दिया, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। आपको झूठ बोले हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपने भी उनसे दूरी बनाई है, ऐसा मुझे यहाँ पे सीन दिख रहा है जिन्होंने पाइल टू चूज किया है। ये सब आपके पास्ट की एनर्जी है कि उन्होंने ऐसा किया।
इस वजह से आप अभी भी अलग हैं, पास्ट में उन्होंने ये सब कुछ किया है। अगर रेजोनेट हो रही है यहाँ तक रीडिंग, आप लाइक कर दीजिए अभी मेरी वीडियो को। आप भी मैरिड हैं, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, यहाँ पे मैटर यही है जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हुए हैं, या आप दोनों ने डिसाइड किया है खुद ही कि हम दोनों अलग हो जाएंगे, हम सेपरेट हो जाएंगे। आपको नई शुरुआत के लिए बोला तो जा रहा है इस पर्सन के लिए, अगर मैं देखूं इट इज़ यस, आपको इनका इंतज़ार तो करना चाहिए क्योंकि हमारे पास है ट्रस्ट। सिचुएशन भले ही आज आपको समझ नहीं आ रही है, भले ही आप दोनों अब अलग हो गए हो, भले ही आप लोगों ने अपनी अपनी लाइफ की तरफ जीना शुरू कर दिया है, लेकिन इस रिलेशन का ट्रस्ट अभी भी है। आप ट्रस्ट कर सकते हो इस पर्सन पे, अभी उतनी देर नहीं हुई है, अभी भी डिवाइन आपके साथ है। लेट गो नहीं कर पा रहे हो आप किसी चीज को, आपने पकड़ के रखा है अभी तक। कोई पास्ट उन्होंने, देखिए ये कोई पर्सन आपने का धोखा दिया है ना, तो इस वजह से आपके अब ट्रस्ट इश्यूज भी हो गए हैं और आप वो बातें भूल नहीं पा रहे हो, जबकि न्यू बिगनिंग आप भी चाहते हो, इस रिलेशन को आप भी जिंदा रखना चाहते हो। जिंदा रखना चाहते हो तभी तो आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तभी तो आप ये मेरी रीडिंग देख रहे हो। अगर आपको उस पर्सन से कुछ लेना देना नहीं होता तो आप ये मेरी वीडियो भी नहीं देख रहे होते। आपकी विश पूरी होगी, आप जो चाहते हो आपकी वो विश पूरी होगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको इंतज़ार करना चाहिए। मैं आप लोगों की रीडिंग करते वक्त ना दो बार खो गई, एक्चुअली मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने इस वक्त रिकॉर्डिंग करते वक्त मुझे पता ही नहीं चला दो बार कि मैं रीडिंग कर रही हूँ आपकी। ये पाइल टू वालों के साथ हुआ है, आप मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप काफ़ी ट्रस्टवर्थी हैं इसीलिए आ रहा है ट्रस्ट कार्ड, आपके ऊपर भी भरोसा किया जाता है, आपके पर्सन भी ट्रस्टवर्थी हैं, आप उन पे भरोसा करो, क्योंकि पास में जो कुछ भी हुआ ये आप समझ सकते हैं कि डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से हुआ है, तो आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एज इट इज़। आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो इसलिए आपको गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे कि लेट गो कर दीजिए। पास्ट के फियर्स इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़ जो भी हैं आप उनको भूल जाइए और कोशिश कीजिए इस रिलेशन को फिर से एक नई शुरुआत करने की। आपकी नई शुरुआत होगी, आप इंतज़ार कर सकते हैं इस पर्सन का, ठीक है। तो ये है रीडिंग पाइल टू वालों के लिए। होप गाइस आपको अच्छी लगी हो मेरी रीडिंग, लाइक कर दीजिए अभी मेरी इस वीडियो को ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ पाइल थ्री वालों के लिए, ठीक है।
देखते हैं कि आपको अपने पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए। पाइल थ्री, ट्विन फ्लेम, थर्ड पार्टी, स्ट्रेस, स्ट्रेंथ, सारी एनर्जी, मिक्सअप एनर्जी है पाइल थ्री वालों के लिए। शायद आप कभी स्ट्रेस में आ जाते हैं, कभी स्ट्रेंथ में आ जाते हैं, कभी होपफुल रहते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं, कभी एनर्जी आपका जो एनर्जेटिक लेवल है वो हाई लगता है, कभी आपको डाउन लगता है। इस तरह का आप लोगों का हो रहा है इस रिलेशनशिप में। ये सब एनर्जी आपको इस रिलेशनशिप में मिल रही है। कभी होप दिखाई दे रही है, कभी आप होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि उन पर आप दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टी का मुझे इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। आप दोनों मैरिड हो या फिर आपके पर्सन मैरिड हैं, इतना पता है कि आप दोनों की लव लाइफ में कोई तो ऐसा है कि प्यार होते हुए भी आप अलग हो। सी, ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो। इस पर्सन के लिए तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, मैं पहले ही बोल देती हूँ। बर्डन क्यों फील कर रहे हो? ये जो एनर्जी देख पा रही हो ना, ये और ये, सी, ये है ब्लॉकेज आपके रिलेशनशिप में। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि आपसे दूर होके वो ऐसे फील कर रहे हैं, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, अगर आप इन कार्ड से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, इन कार्ड से अगर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब है ये आपके पर्सन हैं। बर्डन फील करते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, एंग्जाइटी में ज़्यादा रहते हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोचना है, पॉजिटिव तो सोचना ही नहीं है। अगर ये आप नहीं है तो आपके पर्सन हैं, या फिर ये भी है कि कुछ एनर्जी आपकी है, कुछ आपके पर्सन की है, या आप हो सकते हो या आपके पर्सन है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हो, फिर दोनों ही कहीं ना कहीं आप हाई एनर्जी में चले जाते हो। आप इस रिलेशन को फिर से मौका देना चाहते हो, फिर से इस रिलेशन के ऊपर काम करना चाहते हो, लेकिन कभी ना कभी थर्ड पार्टी की वजह से या फिर ऑलरेडी मैरिड होने की वजह से आप पीछे स्टेप बैक करते हो। आप भी कर लेते हो, ऐसा भी पॉसिबल है, या आप मैरिड हो इसलिए आपके पर्सन आपको देख के पीछे कर लेते हैं कि नहीं वो मैरिड है, मैं सिंगल हूँ, मैं अनमैरिड हूँ। जो कुछ भी हो रहा है आपके इसी वजह से हो रहा है, थर्ड पार्टी इश्यूज है। अब मैं आपको ये आंसर दे देती हूँ कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर इसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन में तो प्यार बहुत ज्यादा है। ऐसे रिलेशन को मैं तो नहीं बोलूंगी कि आप मूव ऑन हो जाओ, हाँ, बट ये जरूर कहती हूँ मैं हमेशा कि सबसे पहले अपने साथ प्यार करो, तभी तो आप दूसरों से अनकंडीशनल लव कर पाएंगे। अनकंडीशनल लव के लिए सबसे पहले आपके अंदर सेल्फ लव होना चाहिए। सी, ट्रस्ट मैंने पहले ही बोल दिया था, ऐसे रिलेशन से मूव ऑन तो नहीं होना चाहिए। सिचुएशन भले ही टफ है, अभी भी आप ट्रस्ट रखिए इस रिश्ते के ऊपर। बट यस, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, ठीक है। आपको वेट करने की ज़रूरत है उस पर्सन के लिए। सी, जैसे ही मैंने बोला वेट, मुझे कार्ड भी दिख गया, वेट, वेट करो, ट्रस्ट रखो, ठीक है। अभी सही वक्त नहीं है, पर चीज़ें आपके हिसाब से होंगी ज़रूर। जितना भरोसा आपका स्ट्रोंग होगा, उतना ही इस रिलेशन में आप और अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हो। ये जो एनर्जी है ना, ये यूजलेस एनर्जी है, इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है आपके इस रिलेशन में। ये जो फियर्स, ये डर, ये नेगेटिव ज़्यादा सोचना, कुछ नहीं हो सकता। मिरेकल्स जब होते हैं ना, तो चुटकी लगती है, चुटकियों में होते हैं, ठीक है। मुझे चुटकी आती नहीं बजानी, हाँ इससे आ रही है, ठीक है। सॉरी। तो ये है रीडिंग जिन्होंने पाइल थ्री चूज़ किया है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, लाइक ज़रूर कीजिए अभी मेरी इस वीडियो को, अगर आपको रेजोनेट हो रही है, अप्रिशिएट कीजिए मुझे भी। और मैं आपको मिलूंगी अब अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।